इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ये 4 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस 1 प्लस 2ab, 4 आयोटा। सो ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा। सिमिलरली 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, यानी 3 माइनस 4 आयोटा बन जाएगा। अब देखिए जो आपको सिंप्लीफाई करना है, 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। एलसीएम जैसे ही लेंगे ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, 25 बन रहा है इस पूरे का मॉड्यूलस। तो ये आपका बन रहा है 3, 3 तो कैंसिल, माइनस 8 आयोटा का मॉड्यूलस 8 डिवाइडेड बाय 25। तो फाइनल आंसर इज 8 डिवाइड बाय 25, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर?